तो हाय नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं संध्या, मैं स्वागत कर रही हूँ मेरी चैनल संध्या किचन एंड लाइफस्टाइल में। तो आज है गुरुवार और गुरुवार के अभी शाम भी बज रहा है 7:34 यानी कि 7:34। और अभी मैं शाम की चाय बिठा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने पार्लर क्लास से आई, तो अभी मैंने इधर बैठ के थोड़ा चाय पीऊँगी। तो अभी थोड़ा सा अदरक कूट के कड़क वाला चाय बनाऊंगी और थोड़ा पीऊँगी, क्योंकि रात को अभी बनेगा आज रोटी बनेगा, रोटी उसके साथ सेवई बनाऊंगी। और सुबह का थोड़ा सब्ज़ी जो बनाई थी वो बचा है, तो वो है, तो उसको थोड़ा गर्म कर लूँगी, रोटी बनेगा और सेवई बना दूँगी, तो हो जाएगा। थोड़ा सा चावल बचा है तो बच्चे लोग भी खा लेंगे और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा खा लेंगे। तो अभी बच्चे लोग अभी बाहर खेल रहे हैं और मैं थोड़ा चाय बिठा रही हूँ, तो वो लोग खेल रहे हैं। और स्वाधीन आज डांस क्लास नहीं गया क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ रहा था, तो उसके पापा बोले कि आज नहीं जाओ, तो इसीलिए तो वो दोनों अभी बाहर खेल रहे हैं और उसके पापा जो मुंडा कहेंगे हलो जमू कोड़ा कोलो ऐसा करिए नोले, तो इसीलिए वो लोग नहीं गए और वो लोग बाहर अभी मस्ती कर रहे हैं। और मैं इधर बैठ के थोड़ा चाय बना रही हूँ और थोड़ा चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी, सेवई बनाना स्टार्ट करूँगी, फिर हम लोग खाना खा के फिर सो जाएंगे। तो चलिए चाय बनाते पीती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ फिर ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट करती हूँ। और ये मफिन केक किस किस को पसंद आया और रेसिपी किस किस को अच्छा लगा वो लोग ज़रूर इस चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और अगर और भी केक से जुड़ा हुआ कोई भी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं केक बनाऊंगी। और किस किस को अच्छा लगा वो भी आप लोग कमेंट में नीचे बोल सकते हैं कि केक वीडियो किस किस को पसंद आया। तो चलिए मैं फिर अभी चाय बना के पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने वीडियो में मिलती हूँ। नहीं 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 ओके सोया है, उसका तबीयत ना कल से बहुत बिगड़ गया है। कल रात को ना उसको बहुत जोर से बुखार आ गया था। वो मोटू पतलू से देख रहा ना गुगी, तो उसको बहुत जोर से कल रात को ना बुखार आ गया था और उल्टी भी कर दिया ना मेरा गुगी। हाँ तो जोरदार उल्टी भी कर दिया था। हाँ अभी नहीं है, अभी तो नहीं है, तो सुबह कल ही हम रात को डॉक्टर के पास लेके जाने वाले थे, पर वो क्या ना सूरत चले गए थे तो उनका क्लिनिक बंद था, तो आज चालू था। आज सुबह लेके उसको दिखा के हम लोग आ गए
और अभी दवा भी दे दिए है, तो अभी तो बुखार नहीं आया है मेरे गोगी को ना, अभी तो नहीं आया है, भगवान करेगी ना आए फिर मेरा गोगी, मेरा गोलू मोलू गोगी वैसा अच्छे से हो जाए ना। तो स्वाधीन बाम पे थोड़ा मैगी बना रहा है, और मैं इधर सब जो कपड़ा वगैरह सब साफ करके सुखा के रखी थी ना, तो वो सबको मैंने अभी ये कर रही हूँ, खड़ी कर रही हूँ रखने के लिए। और इधर स्वाधीन मेरा मैगी बना रहा है ना। तो पानी भी अभी नहीं आया, तो बर्तन भी वहाँ पे पड़ा है, क्योंकि क्या है ना इधर मतलब जो क्या होता है प्रॉब्लम है को, या मेरा लोग मेंटेनेंस का पैसा ना जो रहता है ना मेंटेनेंस का, जहाँ जो भी पैसा वो भरते नहीं है, तो वो मटर का पानी वो कैसे भरेंगे। तो वो वहाँ पे वो क्या होता है ना, कोई कोई देता है कोई कोई नहीं देता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है ना, पूरा सब लोग को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो लोग आके कट करके चले जाते हैं, जिसके बाद वो पानी भर के नहीं देता है। बीच में तो मटर ख़राब भी हुआ था, अभी फिर से आज ये हुआ है। अभी देखो रात तक शायद मीटिंग बैठे बिठा के फिर आ जाएगा। तो ए जा देखे तू जो मैं करूचु ना, तो ए टाइप रही पकेबू, ए टाइप रखु बोले गोटे खराब लगुच देखा पाई ना, ए टाइप रख कौटे गोटे प्लेट उपर ता चामच रखा पड़े, जो पड़े सीट रखे ना ना आए जाऊ ना खाया समस्ते। चलिए मैं फटाफट थोड़ा ये सब चीज़ को थोड़ा घड़ी कर लेती हूँ फिर उसके बाद, और मोबाइल में भी चार्ज नहीं तो थोड़ा चार्ज करने के लिए बिठा देती हूँ, और फिर ये करती हूँ। चलिए कानन कुंडल कुंचित केस हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कंधे मूल सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल संदेश किचन एंड लाइफस्टाइल में। और ये था वो ब्लॉग आधा अधूरी में ये जाएगा, वो ब्लॉग आधा था तो उसमें ये मिक्स होके जाएगा, क्योंकि कल भी थोड़ा बनाई थी, परसों भी थोड़ा बनाई थी, और गोगी का तबीयत ख़राब था, तो इसीलिए कल जल्दी उसको खाना खिला के फटाफट उसको सुला दी थी, और रात को भी उसको बुखार जोरदार भी आया था। और इधर देखिए हनुमान जी का पूजा भी हो गया है, सैटरडे है ना तो हनुमान जी का पूजा, साल का लास्ट डे या सैटरडे लास्ट सैटरडे, और कल है संडे, और कल नया साल स्टार्ट हो जाएगा, 2023 आ जाएगा, और 2022 आज 12 बजे तक लास्ट। तो कल भी ना बहुत सारा फटाका इधर फोड़ रहे थे, और आज भी तो रात को और भी ज़्यादा फोड़ने मतलब और भी ज़्यादा आज फोड़ेंगे। तो क्या ना ये सब तो गुगी का ना अभी थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक है, कल से आज थोड़ा ठीक है, कल रात को भी बुखार आया था, उसको दवाई दी थी, अभी भी दवाई दी हूँ, एंटीबायोटिक वगैरह दी हूँ, क्योंकि कल सुबह मैंने डॉक्टर के पास दिखा के उसके लिए सारा दवाई वगैरह लेके आ गई थी, और कल मैंने पार्लर क्लास नहीं गई थी, क्योंकि दवाई वगैरह दे रही थी तो इसीलिए मैं नहीं गई थी। और इधर मैंने सुबह सुबह बना दी हूँ दाल और दालमा और चावल, और उसके पापा भी टिफ़िन लेके चले गए हैं, और जो था कपड़ा वगैरह सब मैंने सुखा के रख दी हूँ, क्योंकि सारा काम घर का भी ख़त्म हो गया है और कुछ नहीं। और इधर गोगी का एक ड्रेस पड़ा है, वो पहन के सोया था ना वही, बस तो बच्चे लोग भी नहाना वाना वो लोगों का भी हो गया है, और अभी जाएंगे कुछ नाश्ता करने, और बस थोड़ा नाश्ता करेंगे, फिर आज का दिन इधर पे एंड हो जाएगा। फिर कल आएगा हमारे ओडिशा का, मतलब हमारे ओडिशा में ना हम संबर दशमी बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं सूर्य भगवान को, जैसे कि बीमारी वगैरह घर में मतलब जैसे कि रहते हैं ना कोई, मतलब सूर्य भगवान को हम पूजा करते हैं। और तो कल संडे भी है, पौष महीना का संडे भी है, और पौष महीना में संडे भी पूजा करते हैं, रविवार को भी पूजा करते हैं, तो कल रविवार भी है, उसके साथ संबर दशमी भी है, और दूसरे में नया साल भी स्टार्ट होने वाला है। तो कल तो पूरा सूर्य भगवान को पूजा करके हम लोगों का नया साल आने वाला है, क्योंकि सूर्य भगवान को जब निकलते हैं उस टाइम हम नारियल फोड़ के स्टार्ट करते हैं संबर दशमी का पूजा। हाँ
तो कल तो और भी थोड़ा इंटरेस्ट होने वाला है कल दिन, क्योंकि जिस दिन मुझे पूजा होता है ना उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि उपवास हो, पूजा वगैरह जो हो ना, जिस दिन होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्ट दिन रहेगा। तो चलिए, आप सब के लिए कल से नया साल है, तो सब के लिए अच्छा रहे, सब एंजॉय करें, नए साल को वेलकम करें। चलिए मैं थोड़ा जाके कुछ कर लेती हूँ, नाश्ता वास्ता कुछ खा लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। बिठाई हूँ बच्चे लोगों के लिए थोड़ा सा बटाना और थोड़ा नमक डाल के उसको उबाल रही हूँ। बस खाना अच्छा लगता है खाने के लिए, है ना। पापा भी आएंगे ना, मैं जाके थोड़ा ये लेके आऊँगी, उसके पापा आएंगे ना तो जाके थोड़ा फ्रूट वगैरह सब लेके आऊँगी, क्योंकि कल मेरा बहुत बड़ा कल मेरा सूर्य पूजा है, तो इसीलिए सांबर दशमी पूजा है, तो इसीलिए मुझे कल का रेडी करना है। स्वाधीन तो आते समय दियाबत्ती भी कर दिया है। चलिए मैं अभी इधर वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए साल में नए वीडियो के साथ। बाय बाय।